हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो असम राइफल्स की तरफ से जो न्यू रिक्वायरमेंट निकल कर आ रही है उसके बारे में। हाँ तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि इस रिक्वायरमेंट में, इस वैकेंसी में आप सभी को कौन कौन सी पोस्ट है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए जीडी का पोस्ट निकल कर आ रही है, ट्रेड्समैन के लिए निकल कर आ रही है, कुक के लिए निकल कर आ रही है, एंड यहाँ पर टेक्नीशियन एंड टेक्निकल के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो फ्रेंड्स यदि आप सभी भी इसके लिए एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। हाँ तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि इससे पहले भी एक आप सभी के लिए वीडियो पहले ही बना चुके थे कि असम राइफल्स की तरफ से बहुत ही जल्द आप सभी को वैकेंसी दिखने को मिलेगी, जो कि फ्रेंड्स कोरोना के कहर खत्म होते ही आप सभी को वैकेंसी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स सच हुआ कि इसका जो है वैकेंसी आ गई है। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बताने वाले हैं आज की वीडियो में ये जो रिक्वायरमेंट निकल कर आई हुई है इसके लिए कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एंड कौन कौन से कैंडिडेट जो है इसके लिए एलिजिबल है और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहे, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आता है तो सबसे पहले आप सभी की जो है इन्फॉर्मेशन दे सके। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी को हम सीधे ले चलते हैं जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि असम राइफल्स की तरफ से जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स आप सभी स्क्रॉल करते हुए जब नीचे की तरफ आएंगे तो आप सभी को यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा होगा नवीनतम में, ठीक है, यहां से आप लोग जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बट हम पहले से इसको डाउनलोड कर चुके हैं तो चलिए आप सभी को पूरे डिटेल्स में बताते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसमें टोटल कितनी वैकेंसी निकलकर आई हुई है और कौन कौन कैंडिडेट जो है कौन कौन स्टूडेंट यहां पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी को हम सीधे ले चलते हैं जो असम राइफल्स की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी की गई उस पर। हाँ तो फ्रेंड्स आप सभी को ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो असम राइफल्स की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई उस पर हम आप सभी को लेकर के आ गए हैं। तो यहाँ पे आप सभी को ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स शिलोंग, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जो है दे रखा है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पर समझा रखा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट क्या रखा गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहां पे फॉर्म भरने के लिए अंतिम तिथि यहां पे दे रखा है, आप लोग रीड आउट कर सकते हैं, यहां पे दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट्स 12 मार्च 2022 तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन रिसिप्ट देयर फेटर विल नॉट बी इंटरनेट, ठीक है, तो आप लोग यहां पे जो है 12 मार्च तक इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो चलिए हम आगे देख लेते हैं कि आगे क्या दे रखा है। आगे फ्रेंड्स यहाँ पे ऑफलाइन मोड में आप सभी को जो है फॉर्म अप्लाई होगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किस मोड में अप्लाई करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलरेडी समझा रखा है कि ऑफलाइन थ्रोज या ईमेल, ठीक है, दोनों में से कोई, ठीक है, एप्लीकेशन आर इन्वाइट फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर्म अक्रॉस द कंट्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द असम राइफल्स अंडर द कंपोजिट ग्राउंड अपॉइंटमेंट सेम द रिक्वायरमेंट रैली विल टेंटेटिवली वी हेल्ड फॉर्म 2 मई 2022। यानी फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि आप सभी की ये रैली वैकेंसी, ठीक है, रैली है, ठीक है, आप सभी को ये 2 मई से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और किस एड्रेस पे यहाँ पे ऑलरेडी भी समझा भी रखा है ऑन वार्ड्स, ठीक है, एड हेडक्वार्टर्स डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स लेटकोर शिलोंग मेघालय एनआरएस गुवाहाटी। यानी फ्रेंड्स इस जो भी यहाँ पे एड्रेस दे रखा है इसी एड्रेस पर आप सभी की जो है रैली होने वाली है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आगे दे रखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्म डेट ऑफ रिपोर्टिंग टू अटेंड द रिक्वायरमेंट रैली विल बी इनविटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स। यानी फ्रेंड्स आप सभी को इसी एड्रेस पे आप सभी को रैली देखने जाना होगा जो कि यहाँ पे लेट कोर शिलोंग में ग्याले एनआरएस गुवाहाटी, यानी इसी सेंटर जो यहाँ पे सेंटर दे रखा है उस सेंटर पर आप सभी को जो है रैली होने वाली है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितने तारीख को, तो 2 मई से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स जानने के लिए यहाँ पे असम राइफल्स का ऑफिशियल साइट दे रखा है, आप लोग टाइम टू टाइम यहाँ पे विजिट करके आप अपना चेक करते रहिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे इसमें क्या दे रखा है। तो यहाँ पे पोस्ट के बारे में समझा रखा है कि आप सभी को किस में कितनी वैकेंसी यहाँ पे है, तो आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है राइफलमैन जनरल ड्यूटी फॉर मेल एंड फीमेल, यहाँ पे दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेल एंड फीमेल का दे रखा है। यदि हम टोटल पोस्ट की बात कर ले तो आप सभी के लिए 94 वैकेंसी निकल कर आ रही है जीडी में, ठीक है, किसके लिए, तो जीडी के लिए, असम राइफल्स जीडी के लिए। इसके बाद यहाँ पे हवलदार क्लर्क के लिए, यहाँ पे क्लर्क का भी पोस्ट है। यदि हम टोटल पोस्ट की बात कर ले तो यहाँ पे आप सभी के लिए 4 वैकेंसी निकल कर आ रही है जो कि यहाँ पे हवलदार क्लर्क के लिए, ठीक है। उसके बाद
वारंट ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आ रही है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक आरएम मेल कैंडिडेट यहाँ पे ओनली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी चार वैकेंसी है और कलर के लिए मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखे हवलदार ऑपरेटर रेडियो एंड लाइनमैन के लिए यहाँ पे वैकेंसी है जो कि यहाँ पे ओनली फॉर मेल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी 37 दे रखा है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद राइफलमैन एरमोर के लिए यहाँ पे दे रखा है फॉर मेल कैंडिडेट ओनली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट की बात कर ले तो यहाँ पे दो वैकेंसी निकल कर आ रही है तो आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल आ रही है जो कि ओनली फॉर मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पोस्ट की बात करें तो एक वैकेंसी इसमें निकल कर आ रही है तो फ्रेंड्स आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे राइफलमैन नर्सिंग के लिए यहाँ पे वैकेंसी आ रही है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ओनली फॉर यहाँ पे मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि टोटल पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप सभी के लिए 5 वैकेंसी आ रही है। ओके उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स दे रखा है राइफलमैन वॉशरमैन के लिए यहाँ पे वैकेंसी आ रही है जो कि ओनली फॉर मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 4 वैकेंसी आप सभी के लिए है तो आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे राइफलमैन एवाई आया के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो वैकेंसी है आप सभी के लिए एक वैकेंसी निकल कर आ रही है जो कि ओनली फॉर यहाँ पे फीमेल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। यदि हम टोटल फ्रेंड्स जो वैकेंसी आ रही है असम राइफल की तरफ से यदि हम टोटल एड करें तो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि टोटल 152 यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आ रही है जो कि असम राइफल्स की तरफ से निकल कर आ रही है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकते हैं एंड यहां पे एलिजिबिलिटी कंडीशन दे रखा है तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं योग्यता आप सभी को क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी दे चुके हैं आप लोग यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि कौन कौन इस फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझा रखा है फ्रेंड्स आप से समझ सकते हैं असम राइफल्स में अनुकंपा के आधार पर निम्नलिखित श्रेणी के असम राइफल्स के क्रमिकों का केवल एक आश्रित ही भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे समझा रखा है, ठीक है, क में कि लड़ाइया या उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए, ठीक है, शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा असम राइफल्स में सर्विस के दौरान मृत्यु हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए यह वैकेंसी है, ठीक है। मेडिकल ग्राउंड में पेंशन गए हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए मेडिकल बोर्ड तथा अन्य दस्तावेजों को फोटोकॉपी संलग्न करना पड़ेगा इस वैकेंसी को आप सभी को देखने के लिए। ओके तो आप लोग यहां पर देख सकते। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर नीचे की तरफ जाते हैं स्क्रॉल करते हैं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं घा में यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस के दौरान मिसिंग गमशुदा एवं सैनिकों को आश्रितों के लिए यहाँ पे FIR तथा अन्य दस्तावेज को फोटो का भी संलग्न करना पड़ेगा इस फॉर्म के अप्लाई करने के लिए। वही कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिनके फादर, ठीक है, असम राइफल में पहले से थे एंड वो उग्रवादियों या किसी संगठन, ठीक है, उग्रवादी या किसी हमले द्वारा वो लोग शहीद हो गए हैं उन सभी के लिए ये जो है वैकेंसी है तो आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं। और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, इसके लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे योग्यता मांगा गया है आप लोग देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई कौन कौन कैंडिडेट यहां पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझा रहा है आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे समझा रहा है पूरे डिटेल्स में हाउ टू अप्लाई कैंडिडेट सेल सबमिट देयर ऑफलाइन एप्लीकेशन एज पर द फॉर्मेट अटैच्ड यहाँ पे अलॉटिंग यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे कॉपीज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो भी टेक्निकल ITI सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल, यानी फ्रेंड्स आप सभी को जो भी इसमें से ITI टेक्निकल डिप्लोमा जो भी है आप सभी के पास डिप्लोमा उसको आप लोग अटैच करके आप लोग इस फॉर्म को फॉर्म के साथ जो है भेज सकते हैं। द ट्रेड इन एग्रोस विद द क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स यानी इनक्लूड ऑन एक्सरस कॉपी ऑफ फोटो ID यानी आप सभी के फ्रेंड्स फॉर्म अप्लाई करते समय यदि आप लोग किसी में से कोई भी डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप लोग उसको सेल्फ अटेस्टेड करके उसमें आप लोग अपना कॉपी एक कॉपी भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे तो आप सभी को इसी एड्रेस पे जो है आप सभी को फॉर्म फिलअप करके भेजनी होगी जो कि डायरेक्टर जनरल यहाँ पे डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स रिक्वायरमेंट ब्रांच यहाँ पे लेट कोर शिलोंग मेघालय यहाँ पे एड्रेस अपना दे रखा है कि इसी एड्रेस पे आप सभी को जो फॉर्म जो है सबमिट करनी होगी तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे दे रखे आप लोग यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ओके उसके बाद हम यहाँ पे फिजिकल के बारे में बात कर लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर
फॉर द पोस्ट ऑफ जीडी कैटेगरी के लिए, ठीक है, जीडी के लिए ओनली दिया है, ठीक है, अदर पोस्ट के लिए नीचे दिया होगा, तो आप सभी को हम समझा देंगे पूरे डिटेल्स में, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फॉर ऑल कैटेगरी ऑल ओवर इंडिया के लिए यहाँ पे 170 हाइट मांगा गया है, मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 और नॉर्मल यहाँ पे चेस्ट 80 होनी चाहिए और एक्सटेंशन यानी फुला करके 5 सेंटीमीटर आप सभी को फुलानी होगी, नहीं 80 से 85 आप सभी को यहाँ पे फुलानी होगी, ठीक है। रिलैक्सेशन हाइट यानी जो कैंडिडेट के यहाँ पे एच जो भी रिलैक्सेशन मिलता है हाइट में चेस्ट में जो भी उसको यहाँ पे समझा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोइंग द शेड्यूल एसटी यानी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मेल के लिए 162 हाइट होनी चाहिए, 150 फीमेल के लिए 76 नॉर्मल सीना होनी चाहिए, मेल कैंडिडेट के एसटी के लिए और 5 सेंटीमीटर आप सभी को यहाँ पे फुलाना होगा। फॉर ऑल शेड्यूल ट्रिप्स यानी फ्रेंड्स एसटी के लिए यहाँ पे दे रखा है 157 हाइट मेल के कैंडिडेट को होनी चाहिए और फीमेल के 147 होनी चाहिए और नॉर्मल सीना 76 होनी चाहिए, फुला करके 5 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगा गया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी हिल क्षेत्र से आते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुमायूं गढ़वाली, ठीक है, जो भी है हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, जो भी लेह लद्दाख से जो भी कैंडिडेट उन सभी को यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 165 हाइट होनी चाहिए और फीमेल के यहाँ पे 155 और नॉर्मल सीना 78 सेंटीमीटर फुला करके यहाँ पे 5 सेंटीमीटर जो फुलाव करनी होगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं यहाँ पे अपना वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलर के लिए यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्डाइजेशन पीएसटी में क्या क्या होनी चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट दोज मेंटेनेड बिलो यानी फ्रेंड्स यहाँ पे हाइट कलर के लिए यदि आप लोग कलर हॉलदार कलर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो मेल कैंडिडेट तो यहाँ पे 165 हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 155, नॉर्मल सीना 77 और फुला करके यहाँ पे 82 होनी चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो भी कैंडिडेट के यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलते हैं उन सभी को यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे कुमायूं गढ़वाली डोगरा मराठा जो भी है सिक्किम के हैं नागालैंड के उन सभी को यहाँ पे कलर के लिए यहाँ पे 165 मेल कैंडिडेट को हाइट होनी चाहिए और फीमेल का 150 और नॉर्मल 77 सीना होनी चाहिए और फुला करके 82 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे फ्रेंड्स दे रखे, उसके बाद यहाँ पे समझा रखे आप लोग देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक हवलदार ओआरएल राइफलमैन एयरमोर एंड राइफलमैन वाचरमैन के लिए यहाँ पे दे रखा है। जो भी कैंडिडेट है उन सभी को यहाँ पे फॉर ऑल कैंडिडेट भी उन सभी की 170 यहाँ पे हाइट होनी चाहिए, नॉर्मल सीना 80 होनी चाहिए और फुला करके 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं। उसके बाद रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे समझा रखा है आप सभी जो भी कैंडिडेट के यहाँ पे एज जो भी रिलैक्सेशन मिलता है हाइट एंड चेस्ट में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नर्सिंग के लिए अलग से यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स हाइट एंड जो भी है चेस्ट के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग को यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट एनए के लिए यहाँ पे जो दे रखा है एंड लेबोरेटरी के लिए, तो फॉर ऑल जो भी कैंडिडेट है उन सभी की 170 हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 80 नॉर्मल और एक्सप्रेशन फुला करके 85 होनी चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में ऑलरेडी समझा रखा है, नीचे की तरफ हम जाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल इंडिया एक्सेप्ट लद्दाख रीजन के लिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके यहाँ पे फ्रेंड्स फॉर मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है 24 मिनट में और फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी है और लद्दाख रीजन के जो भी कैंडिडेट आते हैं उन सभी को मेल कैंडिडेट के यहाँ पे 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी है और यहाँ पे 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में कंप्लीट करनी है फीमेल कैंडिडेट की, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके उसके बाद यहाँ पे आप सभी का रिटर्न टेस्ट होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट स्किल जो भी स्टेट से आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से आप सभी को यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप सभी को मेडिकल होने वाला है, उसके बाद आप सभी को फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, उसके बाद आप सभी को फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को यदि कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। यहाँ पे जनरल ड्यूटी के लिए आप सभी को 10वीं पास मिनिमम मांगा गया है, एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 आप सभी को एज होनी चाहिए। यदि कलर का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी को यहाँ पे 10+2 होनी चाहिए, उसके बाद आप सभी को टाइपिंग स्किल भी होनी चाहिए। यदि आप लोग इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप सभी को 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आप सभी को होनी चाहिए। यदि एज लिमिट की बात कर ले हवलदार कलर के लिए तो आप सभी को 18 से 25 ईयर्स एज होनी चाहिए। एंड यहाँ पे एस सी एस टी वालों के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है और ओबीसी को यहाँ पे 3 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। रेडियो मैकेनिक के लिए यहाँ पे 10वीं के साथ आप सभी को 12वीं पास भी होनी चाहिए एंड आप सभी को इस ट्रेड में आईटीआई होनी चाहिए। ऑपरेटर रेडियो के लिए भी आप सभी को इस ट्रेड में आईटीआई होनी चाहिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो भी ट्रेड है यहाँ पे ऑलरेडी उस ट्रेड के बारे में यहाँ पे समझा रखा है कि किस ट्रेड के लिए यहाँ पे क्या डिप्लोमा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यदि आप सभी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।